आज का जो हमारा ये सेशन है वो बहुत ही मैजिकल होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ में है इंडिया की सबसे पॉपुलर मैजिशियन। प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली सुहानी शाह। थैंक यू सो मच। ये बहुत ज्यादा कैसी लगी एनर्जी? बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग वेलकम दे दिया। आप तो वैसे बहुत पॉपुलर हो, ऐसे भी गेस्ट आते हैं जिनको कोई नहीं जानता तब भी ऐसी वेलकम करते हैं। इनको कितने लोग जानते हैं आप में से? सब जानते हैं। बिफोर वी बिगिन सर, फर्स्टली बिलेटेड बर्थडे विशेस। थैंक यू सो मच आपको, और मैं आपके लिए कुछ तो लाई हूँ। मैं चाहती हूँ आप इसे अभी ओपन नहीं करेंगे, विल ओपन इट लेटर, ठीक है? पर अभी मैं चाहती हूँ उसको संभाल के रखेंगे। थैंक यू सो मच। या मैं यहाँ रख सकता हूँ इसको? जी सर, एनीवेयर। मैजिक शुरू हो चुका है, इसमें जरूर कुछ ना कुछ है, लेकिन पता नहीं क्या है, अभी देखते हैं क्या। जब मैं एंटर हुई स्टेज पे, इज द फर्स्ट टाइम मैं संदीप सर से मिली, लाइक उसके पहले हम मिले भी नहीं, हमने देखा भी नहीं। तो डायरेक्टली जब कोई भी यूट्यूबर आ रहा है वो डायरेक्टली सीधा स्टेज पर आता है और स्टेज पर आप लोगों से, इन लोगों से मिलता है और उनको देखता है। तो उसके बावजूद इनकी जो एनर्जी है, आपका जो वेलकम है, जो हॉस्पिटैलिटी है, इज आउटस्टैंडिंग। एंड अभी लिटरली 30 seconds के लिए लगता है कि अभी इंटरव्यू देना है। अब आपने इतना कंफर्टेबल कर दिया है ना मुझे, तो अब मैं भी ऐसे चिल हो गई हूँ अब। आपके बारे में मैंने एक चीज पढ़ी, आई एम नॉट श्योर कि वो सच है या नहीं है, वो ये थी कि आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड के बाद में पढ़ाई नहीं करी, मतलब स्कूल नहीं गए। जी, इज इट ट्रू? इट इज वेरी मच ट्रू। मतलब मैं जब 7 years की थी तब मैंने मेरा पहला स्टेज शो किया लाइफ का, 22 अक्टूबर 1997 में मेरा पहला स्टेज शो किया। दिस इज 2022, मेरा एज तो आप कैलकुलेट कर लेना। 90 में आप का बर्थ होगा, राइट? हाँ, अभी मैं 32 थोड़ा तो मैं भी माइंड रीड करता हूँ। चलो, मैंने ठीक माइंड रीड किया ना आपका? सर आप तो मतलब जीनियस। मतलब सिल्वर जुबली होने वाली आपकी अक्टूबर में। हाँ, ऐसे लगता है कि मैं बहुत बुढ़ी हो गई हूँ यार, जब 25 सिल्वर जुबली वगैरह बोलते हैं, बट फिर रियलाइज होता है कि नहीं यार, हम अब एक पल ऐसा लगता है यार 25 साल हो गए काम करते करते, फिर दूसरे पर लगता है अभी तो शुरुआत करी है यार, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। आप स्कूल गए नहीं? पहली तक गई हूँ। आप लोगों के लिए भी थोड़ा वो नहीं है, चौंकने वाली चीज नहीं है, स्पेशली इंडियन फैमिली में जहां पर पढ़ाई को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, ये कह रहे हैं पहली के बाद, फर्स्ट नहीं, पहली के बाद में स्कूल नहीं गई। ये तो आपको फर्स्ट बोलना नहीं आता, अब तो आ गया होगा फर्स्ट बोलना। पहले नहीं आता था फर्स्ट बोलना, अब सीख लिया अब थोड़ा। तो अब थोड़ा बहुत हाय हेलो कंग्रेचुलेशन जस्ट बात बात कर पाए। आई नो, मैंने देखी आपकी वीडियो, इंग्लिश में भी देखी है मैंने, जो मुझे समझ नहीं आई है। तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि यार आपका चाइल्डहुड तो फिर कैसा रहा होगा, आपने इतना कुछ मिस कर दिया। बट देन मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि मैंने ना बहुत जल्दी सीख लिया दैट वेदर यू विन और लूज इन लाइफ, यू ऑलवेज हैव टू पे अ प्राइस। तो भले मैंने वो चीजें नहीं करी जो चाइल्डहुड में बच्चे, वो स्टुपिड सिली चीजें जिसका कोई सेंस नहीं है लेकिन मजा बहुत आता है, ठीक है, वो सब नहीं हुआ, लेकिन आई वॉज फॉलोइंग माई पैशन। मुझे बहुत अच्छा लगता था, रोज स्टेज पे जा रही हूँ, लोगों के सामने खड़ी हूँ, इतने सारे लोग बैठे ऐसे, मतलब तब इतनी समझ नहीं थी, बट वैलिडेशन की समझ बहुत लेट आई, लेकिन तब अच्छा लगता था कि लोग आपके ऑटोग्राफ मांग रहे थे, सेलिब्रिटीज आके वेट कर रहे हैं शो के बाद आपसे मिलने के लिए, ऐसे होर्डिंग लग रहे आपके, न्यूज़पेपर में फोटोज है, तो एक खुशी होती थी यार कि मैं कुछ तो अच्छा कर ही रही हूँ। तो किस चीज से शुरू करें, लाइक ऑडियंस से शुरू करें, आपसे शुरू करें? मैं भी आज आपको एक मैजिक दिखाऊंगा। तो सर आपसे शुरू करें, क्योंकि मेंटलिज्म में क्या होता है, जहां तक मैं समझ पाया हूँ, बॉडी लैंग्वेज को स्टडी करते हो, फेशियल एक्सप्रेशन को देखते हो, मल्टीपल वो फैक्टर्स होते हैं, लेकिन अगर कोई कुछ सोचे ही ना तो आप क्या करोगे? विच इज वेरी डिफिकल्ट, वो स्टेट ऑफ नथिंग पे जाना। मैं चला जाऊंगा, आई कैन गो लाइक दिस, वाओ, आपको पता लग जाएगा मैं नथिंगनेस में हूँ। अगर मुझे कोई थॉट नहीं आएगा या मुझे कुछ नहीं मिल रहा है तो, बट यूजुअली व्हाट मैं करूंगी, मैं आपको एक थॉट सोचने को बोलूंगी। करेंगे, आई थिंक मजा आएगा, नहीं? कुछ डिफरेंट होना चाहिए ना,
बाद में करेंगे, एंड में करेंगे, अभी पहले जो आपका जो भी आप करते हैं उससे शुरू करते हैं। ऑडियंस से शुरू करें या आपसे शुरू करें? ऑडियंस से शुरू करते हैं। शुरू करें, आपके पास आप लोगों की फोन, सर आपके पास आपका फोन है? मैं फोन रखता ही नहीं। किसी के पास भी कोई फोन है हमारे बैक एंड? दो मुझे। अजय की अभी कुछ ही साल पहले शादी हुई है, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के बाद भी सुख शांति बनी रहे घर में। हाँ दीजिए। ओके सर, अब मैं चाहती हूँ कि आप ऑडियंस में से चूज करें हम किसके साथ कर रहे हैं कुछ भी। मैं चूज करूँ? इनको इनको दीजिए माइक, सर 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 जो बोल रहे हैं। हाँ दीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, माय नेम इज रश्मि शर्मा। रश्मि, मैं चाहती हूँ आप अपने मन में कोई गाने के बारे में सोचिए, ठीक है? Do you have it in your mind? हम रश्मि को थोड़ा आगे बुला सकते हैं? हाँ हाँ, please please, जहाँ मर्जी stage पे बुला सकते हैं, whatever whatever you like. रश्मि इस ओर का ताले तो रश्मि को यार। रश्मि मन में गाना आपके रेडी है? ठीक है, क्लियर? संदीप सर मैं भी देखूंगा एक बार क्या कर रहे हो आप, ताकि मेरे को भी समझ आए ना। आपने चूज करा, ठीक है, आप किसी को भी चूज कर सकते हैं। हां हां, नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। रश्मि आप और मैं पहले कभी नहीं मिले, देयर इज नो वे आई कैन नो कि आप कौन सा गाना सोच रहे हो। जस्ट क्लेरिफाइंग टू एवरीबॉडी, मैं YouTube ओपन किया, टेंशन मत ले। मन में गाना सोचते रहो अपने, माइक ले लूंगी मैं आपसे। सोचिए कि अभी आप ऐसे इंडियन आइडल ऐसे कोई सिंगिंग शो पर है, ठीक है? और है ना, मैं 1 2 3 बोलूंगी और आपके मुंह पे ऐसे माइक रखूंगी, ऐसा आपको प्रिटेंड करना है कि आप गाना गाने वाले हो पर गाना गाना नहीं है, मतलब ऐसा कोई हिंट नहीं देना है मुझे, ऐसे कुछ सिंग नहीं करना, ठीक है? सामने देखेंगे, हाथ छोड़ दो साइड पे, 1 2 3 ओके, ठीक है? ये फोन मैं यहाँ छोड़ दिया, मेरा हाथ पे नहीं है। रश्मि आप कौन सा गाना सोच रहे हो? जब कोई बात बिगड़ जाए, यार ये सब लोग यही गाना क्यों सोचते हैं, ठीक है? इतने सारे लोगों ने ये गाना सोचा है ना, जब मैं जब इंडियन आइडल भी लोगों ने तब भी ये गाना सोचा था, मतलब मेरे मैंने देखा था वो क्लिप, हाँ वहां पर भी ये गाना सोचा था, ठीक है? तो ऐसा बहुत स्ट्रांगली लोगों को लगता है कि मैंने इन्फ्लुएंस करा है कि लोगों को ये गाना सोचने पे, जो हो भी सकता है, पर आपके पास सारा ऑप्शन था कि आप कोई भी गाना सोचो और आपने सोचा जब कोई बात बिगड़ जाए, करेक्ट? ये फोन को मैं हाथ नहीं लगाई, देखो क्या चल रहा है इस पे। थैंक यू रश्मि, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, थैंक यू फॉर हेल्पिंग। अजय को उनका फोन दे दो यार, सर मैंने म्यूट पे रखा है ताकि आपको कॉपीराइट ना आए, बट आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी द सॉन्ग इज बीइंग प्लेड। आप जब बूढ़े हो जाएंगे ना तो अपना प्रोफेशन चाहे तो चेंज कर सकते हैं, अभी तो आपकी हाँ, करियर की शुरुआत ही हुई हाँ, है, बाद में बैठ हाँ, करके साल ही हुए अभी तो। जनो बताओ तुम क्या जानना चाहते हो भाई? इसलिए मैं हमेशा जाती हूँ तो बताती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं जब मेरे बड़े स्टेज शोज भी करती हूँ जहाँ पर हम ये चाइल्डहुड बता रहे लोगों के बारे में, क्रशेस ना बता, ऐसी ऐसी चीजें बता रहे लोगों को कि हमें तो सोची भी नहीं कि आपको हमारे बारे में ये चीज कैसे पता, लेकिन शो के स्टार्टिंग में हम बोलते हैं कि मैं जो भी कर रही हूँ वो एक स्किल है, वो एक आर्ट फॉर्म है, वो एक कला है, ना कि कोई सुपरनैचुरल थिंग। तो वो अवेयरनेस और वो इन्फॉर्मेशन आप सब तक पहुंचनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है ताकि कोई मिसयूज ना करे आपके फेथ का, एंड दैट्स इंपॉर्टेंट। बहुत बढ़िया, ये चीख कौन रहा है, मेरे को देख रही है उसकी, उस इंसान की शक्ल देख रही है आप, ये कहां से मुंह से निकालते हो आवाज? अच्छा नेक्स्ट आप बताइए, अब और क्या करा जाए? एक ब्रेक लेते ना थोड़ा सा, अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो ले लेते हैं, एंड देन आई विल मूव ऑन। मेरा एक क्वेश्चन था, आपकी शादी हो गई? क्योंकि ये सारे मन की बातें पढ़ लेती हैं, अब उस बेचारे का क्या हो? अब सुनो तुम लोग, ठीक है? अब सर मेरे को 2 मिनट दो, ठीक है? दे दिया, दे दिया। एक तो ना देखो, अगर मैं किसी के मन की बात पढ़ लगती हूँ, अगर मेरा कोई बॉयफ्रेंड हुआ, फ्यूचर में कोई हस्बैंड हुआ, तो अगर मैं उसके मन की बात पढ़ पाती हूँ तो अच्छी बात है या बुरी बात है? उसके लिए बुरी बात है। लड़कियां बोल रही अच्छी बात है, लड़कियों के लिए अच्छी बात है, लड़कों के लिए बुरी बात है। हाँ अब यार देखो ना, अब सब लिखते ओ जस्टिस फॉर सुहानी इज बॉयफ्रेंड, अरे इसके पति की तो लग गई, अरे इसका पति तो इसे झूठ ही नहीं बोल पाएगा, पर तुम क्यों चाहते हो कि मेरा पति मुझसे झूठ बोले? क्यों? अगर पति चाहता हो तो से मिलना है पहले तो, ठीक है? अगर मैं किसी के मन की बात पढ़ पा रही हूँ ना तो कॉन्वर्सेशन इजी हो जाएंगे यार,
उसको इतना वैसे भी लड़के कम्युनिकेशन में ज्यादा ठीक होते नहीं है, माइनस ऑफ यू, ऑफेंड मत होइए सर. तो अच्छी बात है ना कि मैं उसकी बात समझ. तुम लोग ना मेरे वीडियो पे कमेंट्स चेंज करो, तुम्हारे वजह से मैं सिंगल हूँ. बेचारे किसी लड़के को मेरे में इंटरेस्ट आता है सर, वो डर जाता है, फिर वो जाके कोई मेरी वीडियो देख लेगा, फिर वो कमेंट पड़ेगा और फिर बोलेगा अरे यार ये लोग तो सब, ये तो बहुत डरावनी है, ये तो मेरी मन की बात पड़ लेगी, मेरा तो जीना हराम हो जाएगा, मैं तो इसको डेट ही नहीं कर. बेचारे की उम्मीद थोड़ी जगी होती है, मेरे लिए थोड़ी उम्मीद जगी होती है, तुम लोग खुशी नहीं देखना चाहते यार मेरे को, और वो सोच के भाग जाता है. तो तुम लोग नहीं हुई है मेरी शादी, मैं बहुत सिंगल हूँ, मैं डेट भी नहीं कर रही हूँ किसी को, अगर मैं डेट कर रही हूँ कि मैं बताऊंगी तुम लोगों को आकर, ठीक है, पर नहीं कर रही हूँ. तो अब कमेंट्स में तुम चेंज करो और लिखो सुहानी's बॉयफ्रेंड विल बी सो लकी यार. समझे? Let's move on. ओके, तो आपके पास फोन्स नहीं है, पर जिनके पास भी है मैं चाहती हूँ हम थोड़ा कैलकुलेट करें, ताकि और जो ऑनलाइन हमें देख रहे हैं वो हमारे साथ में कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, ठीक है. अगर साइज में किसी के पास फोन्स ऑन है, मैं खाली चाहती हूँ कि आप हमारे साथ कैलकुलेट करें, जस्ट टू मेक श्योर कि मैं बराबर कैलकुलेट कर रही हूँ. हमारी टीम में से कोई एक अपना ऑन कर लेंगे बस. मोनिका इज डूइंग इट आई गेस, मोनिका कैन डू इट. ओके, अब ऑडियंस में से हम चार पांच लोगों से कुछ नंबर्स लेंगे. मेरे को चाहिए कि आप ऐसे नंबर्स दो जो आपके लिए स्पेशल हो. वो एक डिजिट का हो सकता है, दो डिजिट, तीन, पांच, छह डिजिट का तक चलेगा, उससे ज्यादा लंबा मत करना. छह डिजिट में डेट आ जाती है, उससे लंबा क्या चाहिए आपको? पहले अच्छा, आगे से आप नीचे कर दो, ये सभी के ऊपर है. हाँ, तो बताइए. 27 6185 6185, तो प्लस सर 6185 प्लस फोन पे आता है 6212 28 तो हम इसे प्लस 28 करेंगे सर. दो और लास्ट ले लेते हैं 1604 और एक लास्ट 2000. तो अभी फोन पर है 9844 अगर बराबर कैलकुलेट. सर मैं चाहती हूँ कि आप ये फोन लेंगे, आप अपनी आंखें बंद करेंगे एंड रैंडमली थोड़े नंबर्स प्रेस कर दीजिए. कीप प्रेसिंग अ फ्यू नंबर्स randomly, just keep pressing, go on, keep pressing more 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 more. हो रहे हैं ना, press हो रहे हैं. हाँ, I think enough है sir, बहुत ज़्यादा है. ठीक है. Open कर लीजिए अपनी आँखें और जो number है आप दिखा सकते हैं camera को और out loud भी बोलेंगे ताकि Monica भी उसे add कर दे. 1,84,39,014 रुपए. फिर भी आपके subscribers से कम है. That was good one. एक काम सर, इज इक्वल टू प्रेस करेंगे. इज इक्वल टू क्या नंबर आ रहा है? 1844 1844 8858 8858. सो 1844 8858 करेक्ट सर? बिल्कुल. वी कैन लीव इट हियर. या सारे नंबर्स आप लोगों ने दिए, मैंने एक भी नंबर नहीं ऐड किया था उसमें. अगर एक भी नंबर डिफरेंट, जैसे आपने 28 बोला, अगर आप 29 बोल देते या आप 27 बोल देते तो ये पूरा जो कैलकुलेशन है डिफरेंट हो जाता. Exactly. और लास्ट में तो आपने रैंडमली डाला, इसका कोई कंट्रोल ही नहीं है किसी पे. करेक्ट. सो एवरीथिंग वाज रैंडम. करेक्ट. क्या ये किसी भी तरह पॉसिबल है कि मुझे पता हो कि ये रिजल्ट आने वाला है? प्रैक्टिकली नो. प्रैक्टिकली नो. सर आते ही मैंने आपको एक तोहफा दिया था. धीरे 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 धीरे. आई होल्ड इट फ्रॉम वन साइड. ये तो भाई सबको दिखाना बनता है, ये तो कमाल हो रहा है. वेट वेट, आई वांट टू हां ये आ रहा. यू वांट टू सी? ओके, दैट्स 1 8. मैं इधर भी दिखाती हूं. 1 8. ओ भाई साहब, 4 4 8 8 5 8. Big round of applause for her. Thank you. Thank you. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. अब देखते हैं, अब आप मेरे साथ में जो करोगे वो I hope कि मैं शायद पकड़ पाऊं या समझ पाऊं. पकड़ भी लेंगे तो कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है. मैं जैसे मैंने कहा कला है. बट अगर आप कोई सेंटेंस या वर्ड सोच रहे हैं. मैं किसी का नाम सोच रहा हूं. इज इट अ फ्रेंड और ऐसा कोई है? रिलेटिव है, रिलेटिव है, और उसका नाम पब्लिक में किसी को नहीं पता है. आप किसी रिलेटिव का नाम सोच रहे हैं? राइट. आई कैन ट्राई.
क्योंकि अभी ये तो बहुत सर ने सच्ची बोला था कि मैं चैलेंज करने वाला हूँ, एंड दिस इज रियली चैलेंजिंग, क्योंकि विदाउट डायरेक्शन हम कुछ करने की कोई यूजुअली मेरे पास डायरेक्शन होता है कि कोई फ्रेंड हो सोच रहा है कि, पर आपने बोला कि रिलेटिव है जिसका नाम किसी को नहीं पता है. आई एम गोना ट्राई. ओके, थिंक अबाउट द पर्सन नेम. अरे यार सर आपको सोचना पड़ेगा. ठीक है मैं सोच रहा हूँ. बट यू हैव टू बी ऑन द पर्सन. ओके, आंखें बंद कर दीजिए, दैट्स बेस्ट. आंखें बंद कर दीजिए. आप मेडिटेशन मत करो सर. नहीं कर रहा अभी नहीं कर रहा, वो मैं एंड में करूंगा. आप आंखें बंद कर दीजिए. इमेजिन करिए आपके सामने एक बहुत बड़ा स्क्रीन है. ठीक है, आप एक थिएटर में बैठे हो, थिएटर खाली है, आप अकेले हो, लेकिन आपके आगे एक बहुत बड़ा मूवी स्क्रीन है, उसके पर ये नाम लिखा हुआ आ रहा है. सरनेम काट दो सर, खाली नेम सोचना है. ठीक है, ओनली द नेम. नाम में नंबर ऑफ लेटर्स गिनो. 6-7 लेटर्स. नहीं. Okay, I'm going to write down something already before you open your eyes. ठीक है? Wait. Sir, for the first, मैंने लिख दिया, मैंने छोड़ दिया. ठीक है? For the first time, mic पे बताएंगे आप किसका नाम सोच रहे हैं. मतलब आपने पता लगा लिया नाम? सर थोड़ा anticipation बाद में. But how is that possible? एक मिनट. मैं सोच रहा हूँ निपुण. और आपने किसी को नहीं बताया? बिल्कुल नहीं. मुझे तो पब्लिक में किसी को भी नहीं पता. और बाकी सब पे भरोसा नहीं आपको? इन लोगों इन पे तो भरोसा है. करेक्ट सर, यहाँ पे लिखा हुआ है. दिखाइए. ओह शिट. ओह भाई साहब. क्या बात है. एक्सीलेंट. Excellent. आप बैठिए प्लीज, बैठिए. अब मेरी बारी है. ठीक है, अब मैं आपको एक मैजिक दिखाता हूं. आज तक आपने पक्का ऐसा कभी नहीं देखा होगा. राइट नाउ आई विल गो इन अ थॉटलेस स्टेट फॉर द नेक्स्ट 2 मिनट्स. यहां पे सब साइलेंस मेंटेन करना, कोई कुछ नहीं बोलेगा. एक बार एसीज ऑफ कर दो सारे. अब देखते हैं कि आप क्या देख पाते हैं मेरे माइंड के अंदर. ओके, सो कॉन्शियस ब्रीदिंग, एक्सट्रीम कॉन्शियस ब्रीदिंग. एक होता है कि जब हम सबकॉन्शियसली ब्रीद करें, जैसे भी आप सांस ले रहे हो पर आप ध्यान नहीं दे रहे हो उस बात पे, तो एक्सट्रीम कॉन्शियस ब्रीदिंग. तो ऑल द टाइम द फोकस वाज ऑन द ब्रेथ. व्हाट द थॉट वाज ओनली लाइक, सो टेक्निकली ये भी एक थॉट होता है, पर जिसे हम थॉट कंसिडर नहीं करते बिकॉज हमारा ब्रीदिंग एक नेचुरल प्रोसेस है जिसपे हम फोकस करने लग जाते हैं. एक्सीलेंट जी, लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर. लेकिन मुझे अभी भी ये समझ नहीं आया कि ये निपुण नाम आपने कहां से कैसे किया. I'll show you something. तो यहां पे, even when this came in picture, ये भी मैंने बहुत सोचा. जब मेरे को ये 1844 8858 आया था और जब मैं ये लिख रही थी, ठीक है, तो पहले मुझे लग रहा था सब लोग सोचेंगे मेरी हैंडराइटिंग इतनी बुरी क्यों है, कि यार ये 8 को पूरा भरती क्यों नहीं है. ठीक है, एंड बट आई वॉन्टेड टू स्पेशली डू समथिंग, क्योंकि मैं संदीप सर के शो पे हूँ. आई वॉन्टेड टू स्पेशली डू समथिंग जो आपसे रिलेट करे. एंड मुझे जेन्यूनली ये बताना है, आई थिंक ये कोई स्पेशल बात नहीं होगी अगर मैं बोलूँ कि मैंने आपकी वीडियो देखी थी. मतलब आई थिंक वो सबने देखी है. मतलब मेरी लाइफ में वो चीज ने इतना इफेक्ट किया है, क्योंकि मेरे को याद है उस समय मैं कन्वेंशनल शोज कर रही थी और उस समय ऐसे मोमेंट्स आते हैं, यार हम क्या कर रहे हैं, ये नहीं होगा मुझसे, मैं नहीं. और वो सारे मोमेंट्स मेरे जिंदगी में भी आए हैं जब हम सोचते हैं मेरे को कोई पसंद नहीं करता, मेरा कोई है ही नहीं, बाथरूम में लॉक करके हम रोते हैं, वो सब हुए हैं. बट उसी वक्त पे भी ये सिचुएशन आती है और फिर लगता है यार खाली बोल तो सही, क्या आसान है यार स्वानी, हो जाएगा. टुडे मॉर्निंग, मतलब मैं 2.5 घंटे की नींद पे सर्वाइव कर रही हूँ आज, क्योंकि बहुत हेक्टिक था, थोड़ा तबीयत का भी इशू था. आई वाज लाइक कमिंग हियर वाज द इजीएस्ट थिंग, यार हो जाएगा तो सोचते सही क्या आसान है. तो मेरी पूरी टीम पैनिक में थी कि हम पहुंच जाए टाइम पे, बिकॉज यहाँ से भी मुझे भागने का है, एंड देयर इज टू मच बैक टू बैक. हो जाएगा, आसान है, आसान है. और वो चीज आई एम श्योर सबकी जिंदगी में हुआ होगा, पर वो चीज का इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग हुआ है, मतलब इट हैज चेंज्ड द वे आई फंक्शन. और किसी एक व्यक्ति का जिसको आप जानते नहीं हो, जो आपसे इतने दूर कहीं बैठे और वो एक वीडियो बना रहे हैं, और उसका इम्पैक्ट उस लड़की पे, उस वक्त मैं बहुत छोटी होंगी, उस लड़की पे उस तरीके से होना जिस तरीके से हुआ है, इट इज इनक्रेडिबल, इट इज आउटस्टैंडिंग, एंड आई थिंक वी नीड टू हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज ओवर हियर. तो
जो असली मैजिक है ना सर, वो आपने हमारी जिंदगी में बहुत पहले ही कर लिया था, ठीक है। एंड दैट इज ट्रू मैजिक जब आप किसी की सोच बदल देते हो, एंड मैं भी मेरे मैजिक के जरिए वही करना चाहती हूँ। और जब मैं यहाँ पर आ रही थी तो मुझे लगा ये रेसिप्रोकेशन टाइम है कि इतने साल पहले जिन्होंने आपकी सोच को बदला या उस आपको आगे बढ़ने में मदद करी, आई थिंक रेसिप्रोकेशन में उनको जब आप एंटरटेन कर रहे हो तो वो एलिमेंट वापस लाना जरूरी है। वो आसान है लाना, जरूरी है, और वो लाना भी आसान है। पता है कैसे? कैसे पता है आप लोगों कैसे? ये नंबर जो आपने कैलकुलेट करके ला, सर आप हेल्प करेंगे पकड़ेंगे? हाँ, हाँ, प्लीज, ये नंबर आप लोगों ने कैलकुलेट करा 1844 8858, हाँ करेक्ट, सब नंबर्स आपने दिए, कैलकुलेट किया और ये रिजल्ट निकला, आप लोग सरप्राइज हो गए, यार कैसे पता था मुझे ये नंबर पहले से। लेकिन यार ये नंबर ही आना था, आप लोग जो यहाँ पे बैठे हो, जो नंबर दे रहे हो, सर आपने जो ये यही आना था। क्यों? कोई और नंबर आ ही नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि आसान है ये नंबर आना, आसान है, क्योंकि जब हम इसे उल्टा करते हैं, ओह माय गॉड, आसान है, आसान है, आसान है। एक बार साथ में हो जाए, ऑन अ काउंट ऑफ 3 2 1 आसान है, राइट, उस पे खत्म करते हैं। ऑन अ काउंट ऑफ 3 2 1 आसान है। थैंक यू सो मच।